खाना भी आ जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा। और जिस मोहब्बत का इजहार किया है हमारे तमाम भाइयों ने, वकला ने और हमारी बहनों ने, मैं तमाम को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। और अलामा इकबाल ने कहा, हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर न दिल्ली न बुखारा। और गैरत बड़ी चीज है जहां ने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा, और हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। आज वो देखो वो लोग जो एक कहते थे हमने नारा नहीं लगने देना, आज हर चौक में लब्बैक का नारा लग रहा है। सूरत है खुर्शीद जीते हैं, और इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, और हम इधर से ही निकले फिर इधर से निकले। ये भी हुजूर के गुलामों की शान है, पहले जख्मी हालत में भी गए, शहदों से बुरी हालत, आज तब पैक के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। फिर भी अगर कल कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो ऐसा ये नहीं कहना असी प्रास क्लाब जाना, जब जेलों से निकले थे, जब पेशियों पे आए थे, हर जगह यही कहा था, भूले न मरते मरते आधा पे कुएं जाना। उन्होंने समझा था कि कड़ियां लगाने से शायद ये रुक जाएंगे, और डबल डबल लगाने से शायद ये डर जाएंगे। हमने कहा भूले न मरते मरते आधा पे कुएं जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। हमारे हाथ बंदे हो या खुले हो, जेल में हो या थाने में हो, कचहरी में हो या जनाब आजाद हो, हम तो यही कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत, अहरार कभी तर्क रिवायत, उसी रिवायत की पासदारी, उसी रिवायत की पासदारी करते हुए इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह अभी वो कला आए हैं, अभी डॉक्टर भी आएंगे, अभी जनाब ताजर भी आएंगे, अभी जनाब किसान भी सारे साथ है, हर शख्स साथ है, अब तो पूरा देश ही गूंजेगा लब्बैक के नारे।